हाय क्या है सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है हमने डिस्कस किया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपका ये प्लान है कि मुझे एम पी की प्रिपरेशन करनी है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए मुझे क्या पता होना चाहिए बिफोर आई स्टार्ट द प्रिपरेशन तो बात करते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पहला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है मध्य प्रदेश में जो कमीशन है एम वो इसे करवाती है ठीक कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन स्टेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ठीक दिस इज एम प्रोसेस क्या है प्रिलिम्स है मेंस है और इंटरव्यू है ये सिलेक्शन प्रोसेस है तीन स्टेज होने हैं ठीक एज लिमिट क्या है 21 साल मिनिमम है और 40 साल मैक्सिमम है इसकी एज रिलैक्सेशंस हैं एस सी एस टी ओ बी सी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए सैलरी इन हैंड क्या मिलने वाली है 56,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलने वाली है ग्रेड पे है चौवन से और 3600 ये दो ग्रेड पे हैं जिसके अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी कौन कौन से पोस्ट हैं जिसकी रिक्रूटमेंट होती है एम के थ्रू तो पोस्ट हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कमर्शियल टैक्स ऑफिसर डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पुलिस ठीक और एम की साइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं हर साल ये प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का एम के लिए तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए एम के बारे में अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है ठीक तो सिलेबस क्या है तो हमने बात की प्रिलिम्स है मेंस है और इंटरव्यू है तीन स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस के पहला है प्रिलिम्स एग्जामिनेशन जहां पे ए दो पेपर्स होते हैं जैसे हमारा यूपीएससी में होता है प्रिलिम्स में एक जीएस का पेपर है और एक सी सेट का पेपर है जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव है 200 मार्क्स का दो घंटे का टाइम मिलेगा और आपका सी का पेपर जनरल एप्टीट्यूड ये भी ऑब्जेक्टिव है 200 मार्क्स का दो घंटे का टाइम मिलने वाला है अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा इस बार भी 2024 में मेंस का पैटर्न चेंज किया गया है हमने देखा पहले बीपीएससी ने किया फिर यूपी ने किया और अब मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन ने भी अपना मेन्स का पैटर्न चेंज किया है क्या है वो हम डिस्कस करते हैं एम पी पी एस सी मेन्स एग्जामिनेशन तो बात करें जी एस पेपर वन तीन सौ मार्क्स का होने वाला है जी एस पेपर टू तीन सौ मार्क्स का होने वाला है थ्री और फोर चार आपके जी एस के पेपर्स हैं तीन सौ मार्क्स के और जी एस फोर दो सौ मार्क्स का होने वाला है इसके साथ ही आपके हिंदी के पेपर हैं और हिंदी का हिंदी ऐसे का पेपर है दो सौ और सौ मार्क्स का ये टोटल आपके जी एस के पेपर्स हैं मेन्स एग्जामिनेशन के ठीक बात करें इंटरव्यू का तो 175 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है ये है सिलेबस का स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होने वाला है पिल्स में दो पेपर है मेन्स में आपके जीएस के पेपर है विथ हिंदी पेपर उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होने वाला है ठीक है तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में तो प्रस का सिलेबस जनरल स्टडी के साथ साथ जो जीएस आपका एम से रिलेटेड है उसके बारे में भी आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है इफ़ इट्स वेदर इट्स रिलेटेड टू जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ़ मध्य प्रदेश और हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ठीक तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए बात करें पेपर वन की जी की फिल्म की तो हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ़ मध्य प्रदेश नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटरी बॉडीज करेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स साइंस एंड टेक है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश है और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश ये सारा आपका प्री का सिलेबस है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाला है बात करें पेपर टू की तो इसका सिलेबस जैसा हमारा यूपीएससी का है वैसा ही है कॉम्प्रिहेंशन है इंटरपर्सनल स्किल है कम्युनिकेशन स्किल है लॉजिकल रीजनिंग है जनरल मेंटल एबिलिटी है ये सारे सी साइड के क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाएंगे फिलिम्स में दो पेपर मेंस में आपके जीएस के छह पेपर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन इफ यू आर प्लानिंग कि मुझे एम पी की तैयारी करनी है तो क्या है एज क्राइटेरिया क्या है सिलेबस क्या है सैलरी क्या है पोस्ट कब वैकेंसी निकलती है ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया सो so डैट आप एक रोड मैप एक टाइमलाइन बना सके और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल uh, लगी हो अच्छी लगी हो हम इस सीरीज में ऐसे ही अलग अलग स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं सो so डैट आपको अवेयरनेस रहे उस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्या है सिलेबस क्या है सैलरी क्या है एज लिमिट क्या है ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेते आएंगे ठीक तो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई हो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि आर की तैयारी करनी है आपको तो उसमें क्या है एज लिमिट क्या है क्राइटेरिया क्या है सैलरी जॉब एलोकेशन क्या है सिलेबस क्या है प्री मेंस इंटरव्यू में क्या पूछते हैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर